यातायात तिराहा पर बन रहे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मूर्ति के पास श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा द्वारा जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर चित्रगुप्त मंदिर सभा द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद जी वह व्यक्ति थे जो अंधेरों से लड़कर देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा के अध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव, संयोजक विनय श्रीवास्तव, सुशील श्रीवास्तव, उमेश श्रीवास्तव, अतुल श्रीवास्तव, रत्नेश श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, सीओ प्रवीण सिंह सहित चित्रगुप्त मंदिर से जुड़े सदस्य और समाज सेवी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा, परिवार से क्यों नहीं सांसद के अंदर विधानसभा जैसा कि आप मालिक है स्वर्ग लोक के बाहर जनवरी 1950 से अपना संविधान लागू हुआ। ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बहन भगवती देवी का निधन हो गया। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय गणराज्य की स्थापना के रस्म को पूरा करने के बाद ही अपनी बहन के दाह संस्कार में भाग लेने गए। हमारे वहाँ विचार गोष्ठी भी है, कायस्थ बिरादरी के हालात क्या है राजनीतिक मैदान में। गौतम लाल श्रीवास्तव जी बैठे हैं, बात समझिएगा। इन्होंने कहा कि राजनीतिक परिदृश्य में हमारे कायस्थ बिरादरी का क्या योगदान है, इनकी क्या भागीदारी है। तो मेरा कहना है, कलम दवात के मालिक आप, आपके हाथ में कलम 7 पुस्तक मार करते हैं आप अपने लेखनी से। कलम दवात के मालिक आप 7 पुस्तक मार करते हैं अपने लेखनी से, और इस मुल्क का नाम जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारत वर्ष आर्यवर्त 5500 साल पहले, 5500 साल पहले हमारे भारत का क्या नाम था? आर्यवर्त। तो हम लोग आर्यवर्त के वासी हैं भाई, जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारत वर्ष आर्यवर्त ऋग्वेद अथर्वेद सामवेद यजुर्वेद में ललकार के बोला गया। इसलिए हम पहले हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद किसी भी धर्म के मानने वाले हैं। इसलिए मैं हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी में महासचिव का पद हमने दिया है विजय कुमार श्रीवास्तव को, पूर्वांचल की धरती। ये हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी जो मैं चला रहा हूँ आज 15 वर्षों से इस गोरखपुर के अंदर, इसका मकसद यही था, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्य हम संभवामी युगे युगे। और भी बहुत लंबा है आगे, क्या है ये, क्या है गीता के अंदर क्या कह दिया गया कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा तो ईश्वर पवित्र आत्माओं को सृज कर एज ए संदेष्टा एज ए मैसेंजर एज ए पैगंबर आपको सत्य मार्ग पे चलने हेतु प्रेरणा देने के लिए भेजेगा ना। तो जितने अवतार आप कहते हैं अवतरित हुए अवतार आए, तो ये कौन है,
हमने और आपने अपने अपने लैंग्वेज में बांटा, मगर सब तो वही थे। नदिया एक घाट बहु तेरे कहे कबीर वचन के तेरे। हम आना चाहते हिंदू मुस्लिम एकता पर, हम आना चाहते हैं राष्ट्र की एकता पर, हम आना चाहते हैं बाबू राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस के मौके पे राष्ट्रीयता से ओत प्रोत प्रोग्राम को आगे ले जाने पर। बिरजू सुनील खबर दिहले बरिया, हर हो दिहले बरिया, साली घर वाली लेके घूमे ले बजारी, माई तकते बड़ी असर में बैठ के दुआरी, माई तकते बड़ी असर में बैठ के दुआरी, माई तकते बड़ी। कश्मीर जिगर के टुकड़ा कोहे हिंदुस्तान, ईजा आवे हो हमर शान घरे हो, ईजान घरे हो हमर शान घरे हो, स्वर्ग बनवले अपना हाथे धरती पर भगवान, स्वर्ग बनवले अपना हाथे धरती पर भगवान, ईजान घरे हो हमर शान घरे हो, ईजान घरे हो हमारे शान घरे हो। गरप जाते के हूँ लाई जे नजरिया, बोटी बोटी काटी दे हम गतरे गतरिया हो, लाई जे नजरिया, पोटी पोटी काट दे हम कतरे कतरिया, पोटी पोटी काट दे हम, एक साथ जय हिंद बोलेला हिंदू मुसलमान, एक साथ जय हिंद बोलेला हिंदू मुसलमान, ईजान होवे हो हमर शान होवे हो, ईजान होवे हो हमर शान होवे हो। भारत माँ की गोद में जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र की तरफ से। और मैं सचमुच जितने भी वक्ता यहाँ अपने विचार रखे होंगे, आगे भी वक्ताओं के विचार आएंगे, लेकिन सचमुच कोई ऐसा शब्द नहीं है जो राजेंद्र बाबू का जीवन था और उन्होंने जिस प्रकार विदेह की भाव निर्लिप्त भाव से इस देश और समाज को के लिए जिया, शब्दों में पिरो पाना बहुत कठिन है। आज 3 दिसंबर है, जहां ओलंपियन हॉकी में हमने आज ही के दिन मेजर ध्यानचंद को खोया है। 6 दशकों तक हिंदी सिनेमा में यहां के दिलों पर राज करने वाले देवानंद को आज खोया है। वहीं एक कुशल प्रशासक, शिक्षाविद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू भारत माँ को आज मिले थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो जीवन जिया और जो उन्होंने देश को दिया, निश्चित तौर पे भारत का हर एक नागरिक उनका ऋणी है।
और उनके जीवन के यदि हम चर्चा करें तो वकालत की पढ़ाई करने के बाद जो वकालत करना प्रारंभ किया उन्होंने, फिर गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर के वह राष्ट्र के लिए कुछ कर सकने की क्षमता रखने वाले ऐसे, क्योंकि महापुरुषों का जन्म जो होता है वह उनके लिए व्यक्तिगत नहीं होता है, वो महापुरुषों का जन्म समाज के लिए होता है और राष्ट्र के लिए होता है। और इन भावनाओं से प्रेरित होकर के वो देश सेवा में राष्ट्र सेवा में लग गए और 10 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में जो उन्होंने जीवन को जिया है। एक दृष्टांत आपको मैं बताना चाहता हूँ। राष्ट्रपति भवन में जो वहाँ पे एक नौकर के रूप में काम करता था, एक बात को लेकर के उन्होंने उन्हें डांटा। बाद में उन्हें महसूस हुआ कि गलती उसकी नहीं थी और अपनी गलती मानते हुए उन्होंने आगे बढ़कर के उस नौकर से क्षमा याचना की थी, माफी मांगा था। ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी हमारे सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, बहुत कुछ उन्होंने देश को दिया है। आज के इस अवसर पे हम भारतीय जनता पार्टी महानगर की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे यदि हम सब चल सकें तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ में